वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के व्लॉग को हम लोगों ने ऐसे कंटिन्यू कर दिया और आज हम लोग बनाने वाले हैं अपने पूरे दिन का व्लॉग जो बनाएंगे हम लोग साथ, क्योंकि आज कराची का मौसम दो दिन से मैं आप लोग को क्या बोलते हैं दिखा नहीं पा रहा हूँ कि कैसा हो रहा है, क्योंकि सुबह मैं जाग रहा था, मैं जब क्या बोलते हैं ना बाहर गया गैलरी के अंदर तो ठंडी हवा चल रही, पूरा क्या नाम है बादल काले काले आए हुए, तो मतलब एक दो दिन में बारिश भी होने वाली है। और आज का कुछ नहीं पता क्योंकि सऊदी अरब में तो क्या बोलते हैं आज पहली तरावी होगी आज की रात और कल जो है पहला रोज़ा होगा। अब कराची का जो है पता चलेगा, क्योंकि न्यूज़ देख रहा था तो कह रहे हैं अभी कमेटी जो है बैठी हुई है चांद देखने के लिए, तो कराची बोल रहा हूँ पूरे पाकिस्तान का जो है पता चलेगा कि आज कल रोज़ा है या नहीं है। जो भी है आज का ब्लॉग को एंजॉय करें, तो तरावी भी होगी, सारी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो मैं जा रहा हूँ क्या नाम है बिस्किट वगैरह और दूध वगैरह लेने के लिए, वो लेके आता हूँ, फिर क्या बोलते हैं आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं मैं नाश्ते का सामान लाया, तो हमारे यहाँ की लाइट भी चली गई है और पता नहीं क्यों गई है। रमज़ान अगर ऐसे गुजरे तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ है और गर्मियों के अंदर फिर रमज़ान है, तो हुकूमत को हमारा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए यार कि रमज़ान के अंदर तो हम गरीबों के ऊपर रहम कर लें। आपको भी थोड़ा सा मेरा ख्याल करना चाहिए, आप अपने भाई की चप्पल अंदर ले आए। ओह सॉरी वहाँ मेरे को नज़र नहीं आया ना, अभी उतार देता हूँ मैं और अभी नाश्ता बन जाए तो फिर चलते हैं बाहर। लाइट पता नहीं क्या बोलते हैं या नहीं है, देख के आते कि रमज़ान का ऐलान हो तो आपको साथ लेके जा रहा हूँ ना, आज हम साथ पुरानी जगह पे मामी लोग के घर पे देख के आते हैं कि वहाँ पे रोज़े का क्या सीन है, हुआ या नहीं हुआ। कि मामी लोग बोल रहे थे कि अफ्तारी सहरी हमारे घर पे करना, लेकिन मैंने बोला नहीं अपने घर पे ही करेंगे। तो फाइनली दोस्तों लाइट आ गई है और अभी जो है जब तक अलीना नाश्ता बना रही है, अलीना वो चलाओ पंखा भी तो चलाओ, डोरेमोन मैं देख रहा हूँ आपको नाश्ता बना रही हो, यहाँ लेटा हो यहाँ बैठ के देखो जब तक नाश्ता बन रहा है, क्योंकि अभी जो है बड़ी टेंशन है सर के ऊपर है, उन सारी टेंशनों से निकलना है और रमज़ान की तैयारी करनी है। अलीना को मैं शॉपिंग पे भी नहीं लेकर गया ग्रोसरी के लिए, चलो कोई बात नहीं गुजर जाएगी रमज़ान, कभी अच्छे दिन होते हैं कभी बुरे दिन होते हैं, तो लगभग सब बेहतर करेगा। तो चले बस अभी नाश्ता करें, इसके बाद देख के आते हैं कि क्या सीन है वहाँ का, कि हुई नहीं हुई क्या नाम है रोज़ा, हुआ नहीं हुआ, और कहाँ पे करेंगे सहरी, घर पे करेंगे या बाहर करेंगे, जो बेहतर लगेगा आप लोग को बता देंगे, और अफ्तारी का भी साथ रहे हर चीज़ का बताएंगे। फाइनली नाश्ता आ चुका है, अभी नाश्ता करेंगे हम लोग, फिर आगे लोग कंटिन्यू करेंगे। चला दो ना क्या हुआ, चलने दो, मोबी साहब बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो नाश्ता कर लें फिर मिल। तो भाई मोहसिन भाई आपने छुट्टी क्यों मारी ये बताओ, यार मैंने सुना कि चांद नजर आ जाएगा, तरावियां पढ़ोगे आप जाके, तो तुमने उतारा नहीं, तरावियों की बातें कर रहे हो तुम, उसी में तो छुट्टी करी कैमरे के पीछे, माशाल्लाह पांच वक्त की मैंने सोचा नमाज पढ़ूंगा, चड्डा तो उतारा नहीं सुबह से पहले हमारी, तू बता दो हां कितने वजू के कितने फराइज है, ये फंस गया तू ये पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हां मैं क्यों बताऊं, मैंने सवाल आपसे किया, अबे ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं, कितनी है चार बनाते तो पूछ ले रखा दे बता, अच्छा वजन में कितनी रखाते, दो फराज वजन में कितनी रखाते, जोर की 12 रखाते, असर की 8, मगरिब अबे असर की 8 कहां से करती तू, क्या हो गया, अच्छा ईशा की 17 की ना, ईशा की 17 चार सुन्नत चार फराज दो सुन्नत दो नफिल तीन वितर दो नफिल, और अब पढ़ने का अब जुम्मे की बता, अब जुम्मे की बता, पढ़ने का तरीका बता, माशाल्लाह सारे के सारे मुसलमान आज ही मुझे मिल गए, मेरे लोग पढ़ने के लिए आए और मैंने कहा तरावियां पढ़ने आए, लेकिन वितर का तरीका, वितर का तरीका, वितर का तरीका, वितर में कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं, ये पिक्चर है पोस्ट कर ले, छोड़ो मैं काम पे गया, मजाक कर रहा हूं, जा रहा हूं वैसे की लगा दे, बता दे हां बता अब मैं कितनी लगा दे, काम में फंस गया, मैं जॉब का यूं मजी बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं यार काफी सवालों के जवाब अच्छे दिए भाई भाई ने, अगर हम लोग पूछा करें ना इससे सही, पूछा ही नहीं उसके जवाब, आपने भी नाम क्या रखा था भाई का, क्या इसका डेढ़ फुट और आपने इसका क्या, एलेक्स बट, एलेक्स बट सही है भाई, अभी जो है हम लोग मैच आज आप लोग को दिखाने वाला था नाइट मैच, लेकिन आज नहीं होगा, कल होगा, क्योंकि पेशावर में सुबह 10 बजे मैच है, 10 बजे आज सुबह 10 बजे मैच है, आज फिर एंजॉय करवाएंगे आप लोग साथ में, भी चाय पी उसके बाद, मेरी चाय क्यों, मेरी चाय का गजब बेइज्जती है,
तो दोस्तों अचानक एक बहुत बड़ा सीन हो गया, एक मिनट के लिए इसको रोकना अली ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरी बीवी को ही नहीं पता रोजा नहीं। मसला ये कि देखो मेरी हालत क्या है इस वक्त, ना मैं तैयार हुआ ना कुछ, पता ही नहीं था मुझे किस बात का कि अगर अभी होते तो तरावियाँ का भी नहीं पता चल रहा कि यार 11 बजे पता चल रहा है कल से इंशाल्लाह मुझे तरावी शुरू करनी है, 10 रोज़ा पढ़ूंगा क्योंकि अब एक दिन तो निकल गया ना, पूरे 30 रोज़ा नहीं पढ़ सकता, तो 10 रोज़ा पढ़ूंगा। और रमज़ान मुबारक। अभी अलीना को जो सामान वामान दिलाना है सेरी वेरे का, अचानक ही हो गया क्योंकि कल का दिन था, कल लेके लेने जाना था, मम्मा ने बोला था जाके ले लेना, और ना मेरे पास क्या बोलते हैं इतना कुछ वो था चीज़ें वीज़ें कि अलीना को ग्रोसरी वगैरह दिला दूँ इस बार, तो कोई मसला वाली बात नहीं है। थोड़े से जो जो बंदा देख रहा है हमारे लिए दुआ करो क्योंकि रमजानों में हर किसी की दुआ कबूल होती है, और हम भी आप सबके लिए दुआ करेंगे क्योंकि इस बार हर किसी के हालात सही नहीं है, ऊपर से मम्मा घर नहीं है, छोटा भाई हुसैन नहीं है घर पे, और बस मैं मानो और लीना है, मानो किसी को दर्दाता नहीं है लेकिन वो इतना उदास है ना, वो उदास तो होगा क्योंकि यार माँ के बगैर कभी नहीं रहा, मैं मेरे जैसा बंदा जब इतना ज्यादा उदास है, आज मम्मी से बात कर रहा था तो मैं रो भी रहा था, तो बस ये कि याद बहुत आती है, और क्या बोलते माँ जो है सारी चीजें करती थी घर की, मैं जो है मेरे ऊपर सिर्फ दो बेड के लिए जिम्मेदारी आई है, दो दिन भी नहीं हुए और मुझे पता चल रहा है, बहुत बड़ा सबक मिल रहा है क्योंकि हम लोग देखो माँ बाप की कदर नहीं करते ना, तो हम लोग को हर चीज का आज एहसास हो रहा है, और हर बार मम्मा जो है हर बार हर चीज पूरी कर देती थी, अभी जो मुझे करनी पड़ रही है ना मुझे पता है कि यार क्या क्या, क्योंकि लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ तो ग्रोसरी के ऊपर क्या क्या लेने के लिए जा रहे होते हैं, काश के अल्लाह पाक मुझे अभी आता करते तो मैं अभी चले जाऊँ लेने के लिए, कहने की बात है, लेकिन जब तक आप लोग का साथ है, मेरी वाइफ का साथ है, मेरे माँ का साथ है और भाइयों का सबका साथ है, तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे ये बुरे वक्त को, हम लोग फिर बाद में जब आगे काफ़ी बढ़ जाएंगे तो बैठ के इंशाल्लाह कभी याद करेंगे कि ये भी बुरा वक्त था और इतनी सारी स्ट्रगल से हम लोग निकले, तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और अभी जो है चलते हैं अलीना का जो सामान है वो लेके आते हैं, उसके बाद व्लॉग को एंड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों घर पे आ गए, क्योंकि अलीना को मार्ट लेके जाओ ना तो इसको मार्ट के ऊपर जो मतलब ऐसा है कि सारी चीज़ें ना ये बोलती है जितनी पड़ी सब मुझे दिला दो, तो मैं इसको भी लेके आया, मेरा कल दिन में ले जाऊंगा भाई सामान लेने के लिए, जो भी लेना है कल चलेंगे रोजे में, तो अभी जो है खाली सुबह, तो क्या नाम है अभी खाली सेरी का सामान लेके आए, तो मसाले वगैरह सारी चीज़ें, तो मैं चाट बनाऊंगी, वो तो अफ्तारी के लिए बनाऊंगी ना, तो कल अफ्तारी भी होगी, तो मतलब कल के व्लॉग के अंदर बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मैं सेरी से स्टार्ट करूंगा, तो इस व्लॉग को अगर आप लोगों ने एंजॉय कर लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में याद रखें मेरे लिए, खास तौर पे दुआ करें, अब से जो आप लोग की दुआएं होगी वो लाजमी कबूल होगी इंशाल्लाह, बस भाई को दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और फिर से आप लोग को रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।